हेलो फ्रेंड्स, मैं मारूफ, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल मारूफ में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ, वो कैसे करता हूँ, तो आप सबको, मेरे को नहीं पता था कि आपको मेरी एडिट पसंद आती है वीडियो। जैसे कि मेरे को एक दो बंदे ने पूछा कि आप जैसे आप पीसी या लैपटॉप से करते हो। मैं बोला नहीं यार, मैं फ़ोन से ही करता हूँ। तो आज वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मैं फ़ोन से अपनी वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो मैं काइन मास्टर लेयर वाला आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और एम्प्टी प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। और यहाँ से मीडिया ब्राउज़र पे जाके आप ले लीजिए यहाँ से बैकग्राउंड कोई भी, जैसे मैं ये वाइट वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ इसकी लेंथ थोड़ी लंबी कर लेते हैं जहाँ तक आपको वीडियो रखनी होगी। तो फिर वापस आप लेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं जो अपना बैकग्राउंड मेरा अलग होता है उसका भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको फ़ोटो दे दूंगा, बैकग्राउंड जो मैं रखता हूँ बैकग्राउंड का। तो मैं यहाँ से सिंपली मैंने स्क्रीनशॉट से वो लिया हुआ है और मैं वही यूज़ करता हूँ। और जिन्होंने मेरे को बोला था उनको वो अच्छा लगा जो मैंने रखा था, तो मैं सिंपली यही ऐसे ही यूज़ करता हूँ और ऐसे ही अपनी वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि मैंने ये यहाँ तक ला के छोड़ दिया और यहाँ से इसकी मैं लेंथ यहाँ तक ले कर चला जाऊँगा जहाँ तक मैंने पहला बैकग्राउंड रखा था। अभी हमारा बैकग्राउंड वाइट वाला हट चुका है, अभी ये बैकग्राउंड हमारा चलेगा। और इसके बाद में मैं और भी फ़ोन का आइकन भी इसमें यूज़ करता हूँ। तो फ़ोन का आइकन भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको। तो फ़ोन का आइकन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने पहले से सब बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ से अपना फ़ोन का आइकन भी ले लेता हूँ। तो फ़ोन का आइकन आप जितना भी यहाँ तक आप रख लीजिए और इसको जहाँ भी रखना होगा आप रख लीजिए। और रखने के बाद में इसको भी आप जहाँ तक आप वीडियो लेके जाएंगे और जितनी आप वीडियो लंबी बनाएंगे उतनी तक इसको भी लेके चले जाइए लेंथ। और फिर उसके बाद में फिर पीछे आ जाइए, बैक आने के बाद में यहाँ से आप फर्स्ट में आप जो भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे मैं फर्स्ट में कोई भी, आप सब लोग अपना वीडियो का ही कुछ देते हैं सब्सक्राइब का या कुछ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में ये दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं दे देता हूँ फर्स्ट में। ये मैं फर्स्ट में दे देता हूँ और आप मैं इसके आगे फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके फिर एक छोटी मोटी वीडियो ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने जैसे मैं ये वीडियो ले लेता हूँ एक छोटी सी। चलिए जैसे मैंने ये वाली वीडियो ले ली, ठीक है, और ये वाली वीडियो इस फ़ोन के अंदर ऐसे हम इसको थोड़ा बराबर करके इस फ़ोन के साइज़ का इसको बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल कैसे बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, ठीक है। और यहाँ तक मेरी वीडियो इतनी ही थी और यहाँ पे हम इसको पूरी को कट कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बैकग्राउंड भी यहाँ से उतना कट कर देंगे और हमारी ये इस तरह की कुछ वीडियो आ गई है। तो इसमें आप देखते होंगे मेरी वीडियो में मैं अपना जो भी आइकन देता हूँ और यहाँ पे आप सब वही आइकन रख लीजिए और कहाँ पर भी। और अब देखते हैं सब वो नीचे, जैसे टेक्निकल गुरुजी के आते हैं नीचे वो टाइटल चलते रहते हैं उनकी वीडियो में, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और यहाँ बैकग्राउंड पे चले जाइए। बैकग्राउंड पे जाने के बाद में आप यहाँ से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसको यहाँ पर स्किल डाउन करके यहाँ पर ले आइए और फिर इसकी लेंथ आप वीडियो तक लास्ट तक ले जाइए। लास्ट तक लेने के बाद में अभी हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम आएंगे और यहाँ टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल,
आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और यहाँ इसको मैं वाइट ही रहने दूंगा, और ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए, जैसे मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, और ये भी यहाँ तक ले आया हूँ इसको भी, और इसको हम थोड़ा सा करेंगे ऊपर ताकि हमारे टेक्स्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। अभी अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें इसके लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद में आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको चाबी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप चाबी के आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट को पूरा यहाँ तक ले जाइए, आगे ले आइए। आगे आने के बाद में इसको टेक्स्ट को ना देखिए पूरा यहाँ तक छुपा दीजिए, और उसके बाद में आप आ जाइए वापस। तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट भी चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये देख लीजिए नीचे टेक्स्ट भी चल रहा है। तो अगर आप लंबी वीडियो बनाते हो तो आप क्या करिए, दो तीन जगह से टेक्स्ट को कट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ से भी कट कर लिया। कट करने से क्या होगा, वहाँ से आपको वापस चलना चालू हो जाएगा टेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कितना फास्ट फास्ट चल रहा है, और यहाँ से दूसरा भी कितना फास्ट फास्ट चल रहा है। इसी तरह से आप अपनी वीडियो बनाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एडिटिंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई कोई भी पार्ट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।